फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सुकून। आज इस वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि ये कलरफुल स्टोन और ये कलरफुल बॉल्स कैसे बनाई जाती हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें चाहिए वाटर। वाटर के अंदर हमें ऐड करने हैं पेपर। पेपर का छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और फिर हमें पानी के अंदर डाल देना है। पेपर डालने के बाद हमें क्या करना है, और जो पेपर है और इस पानी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको पेशेंसली ये सारा मतलब पेपर और वाटर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। पेपर को पानी में अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसमें मुल्तानी मिट्टी ऐड करनी है, और फिर मुल्तानी मिट्टी को भी पेपर का और वाटर का जो मिक्सचर है इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा मुल्तानी मिट्टी, पेपर और पानी अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो हमें क्या करना है, अब हमें इसको एक रात के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, जैसे कि इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है वो इवेपोरेट हो जाए। अब हमारी क्ले बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं इसका जो एक्स्ट्रा वाटर था अब नहीं है, और अब हम इस क्ले को कोई भी शेप दे सकते हैं। तो अब हम इस क्ले से क्या करने वाले हैं, अपने कलरफुल स्टोन और बॉल्स बनाने वाले हैं। एंड यू नो फ्रेंड्स, ये बॉल्स बनाना बहुत इजी है। हमें कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा क्ले लेना है और उसको सर्कुलर शेप में राउंड राउंड रोल करना है अपने हाथ से, बिल्कुल लड्डू वाली शेप में उसको रखना है। जैसे ही हमारी बॉल्स बन जाए तो हमें उन्हें सूखने के लिए छोड़ देना है, और फिर नेक्स्ट डे जब वो सूख जाए तो उनको कलर कर लेना है। कलर आप अपनी चॉइस से कोई भी कलर रख सकते हैं, मैंने मल्टी कलर यूज किया है। तो अभी हमने इन्हें सूखने के लिए छोड़ा, और कलर करने के बाद ये ऐसी दिखाई देंगी। फ्रेंड, इन कलरफुल बॉल्स को आप अपने घर को डेकोरेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अपने घर में जो टेबल पर ट्रे रखा होता है उसमें भी डाल सकते हैं। अपने घर पर जो गमले होते हैं गमले में भी डाल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।